सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक रुचिरा का अध्ययन करेंगे जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में लगी हुई है। आज हम अपनी कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आपका दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनाशकारी होती है, यह इसका अर्थ है। अब अपने पाठ को देख लेते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरहा। अस्ति अस्ति माने है, मगध देशे मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरहा। फुल्लोत्पल नाम का सरा का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर आप अपने पाठ को पढ़ते हुए अपने शब्दों के अर्थ पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपको आपके एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगी, उसके बाद मैं आपके वाक्य का पूर्ण अर्थ समझाऊंगी। तो इस वाक्य का आपका अर्थ है कि मगध देश में फल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र माने वहाँ, संकट विकटौ, संकट विकट नाम के हंसौ हंस निवास करते थे। संकट और विकट नाम के वहाँ पर हंस निवास करते थे। कम्बू गिर्व नाम कहा तयो मित्रम एका कूर्मः अपि तत्रे प्रतिवस्ति सम। कम्बुक गिर्वक नामक उनका मित्र एक कूर्मः, कूर्मा का अर्थ होता है कछुआ, अपि भी तत्रे वहीं पर प्रतिवस्ति सम रहता था, जहां पर आपके संकट और विकट नाम के हंस निवास करते थे उसी स्थान पर उनका कम्बुक गिर्वक नामक एक कछुआ मित्र भी रहता था। अथ एकदा धीवरहा तत्र आगच्छन्। एकदा एक बार, धीवरहा मछुआरे, तत्र माने वहाँ आगच्छन् आ जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने कहा है कि एक बार वहाँ पर मछुआरे आ जाते हैं। ते आकथ्यन् वे कहते हैं, वयम् स्वः मत्स्य कुर्मन् आदिना मारिष्यामः, कि हम सब कल मछली और कछुए आदियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः आवदत्। एतत् का अर्थ है यह, श्रुत्वा सुनकर कुर्मः कछुआ आवदत् बोला। यह सुनकर कछुआ बोला मित्रे कि हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुत्वा, क्या तुम दोनों ने भी मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमी। अधुना का अर्थ होता है अब, किम माने क्या, अहम का अर्थ होता है मैं, करोमी करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ आवदताम, दोनों हंस बोलते हैं, प्रातः यत उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः यानी कि सुबह के समय, यत जो उचितम ठीक होगा, तत् कर्तव्यम वही करना, प्रातः जो सही होगा वही करना। कुर्मः आवदत, कछुआ बोला मेवम, इसी प्रकार, यत यथा अहम अन्यम हन्दम गच्छामि तथा कुरुतम। यत कि यथा अहम, जैसे मैं अन्य हन्दम गच्छामि अन्य तालाब में जाऊंगा, तथा कुरुतम वैसा ही करो। यहाँ पर कछुआ बोलता है कि जैसे मैं दूसरे तालाब में जा रहा हूँ वैसा ही तुम भी करो। हंसौ आवदताम, हंस बोले आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या करें। कुर्मः आवदत, कछुआ बोलता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम का अर्थ है मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से अन्यत्र कहीं और गंतुम जाने की इच्छा में इच्छुक हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं अन्य स्थान पर जाने का इच्छुक हूँ। हंसौ आवदताम, हंस बोलते हैं अत्र कहा उपाय, यह क्या उपाय है। कच्छपा वदति, कछुआ बोलता है युवाम काष्ट दंडम एकम चंचुआ धार्यताम।
कछवावती कछवा बोलता है, युवाम तुम दोनों काष्ठ दंडम, लकड़ी के एक डंडे को एकम चंचुआ धार्यताम, एक अपनी चोंच में धारण कर लेना, कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लेना, अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम माने मैं काष्ठ दंड मध्ये अपने लकड़ी के डंडे को मध्ये बीच में से अवलंब्य पकड़कर युवयो पक्ष बलेन तुम दोनों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर तुम दोनों के साथ सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ आकथ्यताम, हंस कहते हैं संभवति एषः उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र माने यहाँ एकाएक अपायो अपि हानि भी वर्तते बताते हैं। यह जो आपने उपाय बताया है कि मैं लकड़ी के डंडे को पकड़ के तुम्हारे बल से सुखपूर्वक अन्य स्थान पर चला जाऊंगा, तो यह उपाय संभव तो है, किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। अवाभ्याम नीयमानं तुवे अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। अवाभ्याम नीयमाना, जब हम तुम्हें अपने साथ उड़ाकर ले जाएंगे, तुवे अवलोक्य तुम्हें देखकर जनाः किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ बातें बोलेंगे एव ही। जब हम दोनों तुम्हें ले जा रहे होंगे तब तुम्हें देखकर लोग कुछ बातें बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि त्वम उत्तरम तुम उत्तर दास्यसि दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम। तदा माने तब, तव माने तुम्हारा मरणम मृत्यु निश्चितम निश्चित है। यदि तुम उनका बातें सुनकर उत्तर दोगे तो तब तुम्हारा मरना निश्चित है। यहाँ पर कछुआ जो उपाय सुझाता है कि तुम एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण कर लेना, मैं उसको बीच में से पकड़ के तुम दोनों के साथ सुखपूर्वक यहाँ से किसी अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। तो हंस यहाँ पर कहते हैं कि यह उपाय वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें एक हानि भी है कि जब तुम्हें उड़ता हुआ हम दोनों के साथ लोग देखेंगे तो वह कुछ बातें भी बनाएंगे, और यदि तुमने उसका उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रे वस, अतः इसलिए तुम अत्रे यहीं पर वस रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः आवदत्। तत् वह श्रुत्वा सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम् यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। अतः इसलिए अहम् माने मैं, यथा माने जैसा, वदामि बोल रहा हूँ, तथा माने वैसा ही, युवाम कुरुतम तुम दोनों वैसा ही करो। यहाँ पर कछुआ कह रहा है कि मैं मूर्ख हूँ जो उत्तर दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, अतः मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानं कुर्मा पोराः आपश्यन्। एवं इस प्रकार जब कछुआ हंसों से कहता है कि जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ तुम मुझे लकड़ी के डंडे पर लटकाकर यहाँ से ले चलो, तो काष्ठ दंड पर लटके हुए कछुए को पुरुष पोराः मनुष्य आपश्यन देखते हैं, जैसा आपका यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। पश्चात आधावन आवदन च, उसके बाद वह दौड़ते हैं और कहते हैं, हा हो महद आश्चर्यम, अरे बहुत आश्चर्य है, हंसाभ्याम सहा कुर्मो अपि उड़यते, कि हंसों के साथ कुर्मा अपि कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति, कुछ बोलो, अद्य अयम कुर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि।
यदि यह कछुआ कथमपि कैसे भी निपतति गिर जाता है तथा तब अत्रैव यहीं पर ही पक्तवा पकाकर खादिष्यामि खाएंगे। यहाँ पर वे लोग जो उस कछुए को उड़ते हुए देखकर कह रहे थे कि महान आश्चर्य है, उनमें से कोई कहता है कि यदि यह कछुआ अभी किसी प्रकार गिर जाए तो मैं इसको यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरहा आवदत्। दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्धुवाह खादिष्यामि, तालाब के किनारे ही जलाकर खाऊंगा। अन्य आकथ्यत। दूसरा कोई अन्य कहता है, गृहम नीत्वा भक्षयामि, मैं तो घर ले जाकर ही खाऊंगा। इति इस प्रकार। यहाँ पर जो लोग उस कछुए को उड़ते हुए देख रहे थे वह अन्य अन्य बातें बना रहे हैं। उनमें से एक कह रहा है कि यह कछुआ यदि किसी प्रकार गिर जाए तो मैं इसको यहीं पर पकाकर खा लूंगा। दूसरा कह रहा है कि मैं तो तालाब के किनारे ही इसको पकाकर खाऊंगा। अन्य कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार वह बातें बना रहे हैं। तेषाम तत्वचनम श्रुत्वा कुर्मः क्रुद्धा जाता। तेषाम उन सभी की तत्माने वह वचनम वचन श्रुत्वा सुनकर कछुआ क्रुद्ध जाता, कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह आवदत्। मित्राभ्याम दत्त वचनम, जो उसने मित्रों को वचन दिया था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तो वह उसको भूल जाता है। सहावदत्त, और वह बोलता है, यूयम भस्महा खादत, तुम सब भस्म खा लो, यानी कि तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कुर्मः दण्डात् भूमौ पतिता। तत्क्षण यानी कि उसी क्षण ही कुर्मः कछुआ दण्डात् दंड से भूमौ पतिता, भूमि पर गिर जाता है। पोरे सहा मारितः, जो पुरुष उसको देख रहे थे वह उसको मारते हैं। अत एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदताम हित कामना नाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्टात् भ्रष्टो विनश्यन्ति। सुहृदता हित कामना नाम वाक्य नाम यो न अभिनंदति। अच्छे हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं, हमारे हित की कामना चाहने वाले वाक्यों को जो नहीं सुनता है या जो उनकी निंदा करता है, सह कुर्मा इव, वह कछुए के समान ही दुर्बुद्धि विनाश वाली बुद्धि का काष्ठात लकड़ी से भ्रष्टो विनश्यन्ति गिरकर विनाश होता है। भाव है कि अच्छे व्यक्तियों द्वारा कहे गए अपने हित कामना वाले वाक्यों को नहीं सुनता है, वह कछुए के समान ही लकड़ी के डंडे से गिरकर दुर्बुद्धि वाला होकर विनश्यन्ति नष्ट होता है। आपको इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि आपको अपने हित कार्यों के वाक्य सुनने चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए, वरना आप कछुए के समान ही दुर्बुद्धि के वाले होकर ही अपने लिए विनाशकारी हो सकते हो। यह आपके इस पाठ के शब्द अर्थ हैं। आप अपने इन शब्द अर्थों को याद करिए, क्योंकि यह शब्द अर्थ आपके पाठ समझने में आपके लिए लाभदायक होंगे। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।